इंद्री के गांव डबकोली कला के पास से गुजर रही धनोरा स्केप में जहरीला व बदबूदार पानी आने से गांव के लोग कई तरह की संगीन बीमारियों की चपेट में आ गए। इस मामले में ग्रामीणों की शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने से ग्रामवासियों ने आज गांव में सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष जाहिर किया। गांव में इस समय एक दर्जन से ज्यादा लोग बीमारी से ग्रस्त हैं और वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। प्रशासन और सरकार को शिकायत करने के बाद भी किसी भी अधिकारी ने गांव में जाने की जहमत तक नहीं उठाई। बीमारी से ग्रस्त 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पानी डाला गया जमुनानगर से फैक्ट्री और सीवरेज का गंदा पानी है। इस गंदे पानी की वजह से गांव के अंदर दमे की बीमारी, कैंसर की बीमारी, सांस लेने में परेशानियां बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है और काफी लोग गुजर चुके हैं और इसकी वजह से गांव में बहुत बुरा हाल हो चुका है। और इस पानी का हम पहले सीएम विंडो पर भी लगा चुके हैं। इसके एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन लग चुकी हैं। ग्रेवेंसी में हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है, लिए तैयार नहीं है। हम यहाँ इस गंदे पानी की वजह से मर रहे हैं और अगर नहीं इसमें सुनवाई हुई तो हम अगला कदम बहुत खतरनाक सिद्ध होने के लिए तैयार है। ये जो कहा जा रहा है गंदे पानी का, बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है जिसकी वजह से बच्चों के एलर्जी भी हो रही है। दाने दाने से बिल्कुल बहुत ज्यादा पाज हो गए, और बीमारियां भी टाइफाइड मलेरिया जिस तरह बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही। आज चांदी वगैरह पहनते हैं पैरों में, जैसे चैने चुकटियां ये काली पड़ जाती है बिल्कुल। इतने ज्यादा जी रात ना गर्म चाहे एसी चला लो, उससे भी नहीं मरते मच्छर। अच्छा कितना बजे परफ्यूम सा ये गेर लो मच्छरों का, उतना नहीं है जो गेरने का गर्म है, ये भी गेर लो मच्छर ही नहीं मरते, बहुत ज्यादा गंदे मच्छर हो रहे। आपको बता दें कि मार्च 2015 में मुख्यमंत्री के OSD अमरिंदर सिंह ने ग्रामीणों के साथ मीटिंग कर 6 महीने में जहरीला पानी बंद करने का वादा किया था, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के OSD अमरिंदर सिंह के खिलाफ वादा खिलाफ करने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी, यदि जल्द धनोरा स्केप से गंदा व जहरीला पानी बंद नहीं किया गया तो जनता सड़क पर जाम व भूख हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन करने पर विवश हो जाएगी। घेड़ PHC इंचार्ज डॉक्टर अमरीक सिंह का कहना है कि गांव डबकोली कला में ड्रेन में जहरीला पानी आने की वजह से गांव में काफी लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। जो डबकोली कला गांव में जो मेन समस्या है ना, ये गंदा नाला द्वारा है ना, गंदा नाले के पानी की वजह से है। अगर स्वास्थ्य विभाग और सरकार इस गंदे नाले के पानी को बंद कराया जाए, इस पर प्रतिबंध लग जाए तो यहाँ पे किसी तरह की समस्या बीमारियां नहीं फैलेंगी। मेन बीमारियां की जो जड़ है, समस्या की जड़ है, तो ये गंदा नाला ही है। और इस अगर इस पर सरकार इस पर ध्यान दे के इसको बंद कराया जाए तो ये समस्याएं बहुत हद तक, काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। तो काफी लोग बीमार है गाँव के अंदर। हाँ जी, वो मेन्स जड़ है जो बीमारियों की, यही है गंदा नाला।